स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया के अंदर। ये चौथा T20 आई है जो खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। जो एक कार हुआ है गुवाहाटी से पहुंचा है रायपुर के ऊपर, और इस मैच के अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे दोनों टीम्स के अंदर। तो सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं। टीम इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे और ये उपकप्तानी लेंगे ऋतुराज गायकवाड़ से। मुकेश कुमार मौजूद है, शादी करके वापसी करेंगे इस मैच के अंदर, और दीपक चार को भी स्क्वाड के अंदर ऐड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इस टीम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। स्टीव स्मिथ, एडम जेम्पा, मैक्सवेल स्टोनी, जॉस इंग्लिश, एबर्ट, ये घर वापसी कर रहे हैं। आपको खेलते हुए दिखेंगे अब जॉस फिलिपी, बैन मैकडरमॉन्ट, बैम द्वारिसस और किस ग्रीन। तो देखते हैं भाई साहब इस क्लैश के अंदर क्या होता है और ये जो सीरीज है किस तरह से चली है। टीम इंडिया यहाँ पर 2-1 से आगे चल रही है। पिछले मैच की समरी की बात करता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, सही फैसला साबित रहा। टीम इंडिया को उन्होंने 222 रन पर 3 विकेट गवा के रोक दिया। 223 का टारगेट रहा है। यहाँ पे गायकवाड़ आते हैं, शानदार पारी थी भाई, क्या कमाल की इनिंग्स थी। ये स्टार्टिंग इनिंग्स को एंकर करते हैं, सिंगल डबल करते हैं, 22 बॉल पे कुछ 22 रन थे भाई के। फिर बाद में क्या भाई साहब कन्वर्जन रेट रहा इनका, 123 की पारी, 57 गेंदों के अंदर नाबाद। सूर्या ने 39 किया 29 गेंदों के अंदर, तिलक ने 31 किया नाबाद 24 गेंद के अंदर, जयसवाल ने 6 बनाए। जवाब के अंदर बेरेंडोफ का स्पेल याद रखा जाएगा, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिया, 1 विकेट निकाला, 1 मेडन ओवर था। केन रिचर्डसन इंजर्ड है, इस मैच में भी डाउटफुल है, उनको ग्लूट इंजरी भी है। तो इन्होंने 3 ओवर के अंदर 34 रन दिया, 1 विकेट निकाला, इसलिए मैक्सवेल ने 20 ओवर डाला था जिसमें 30 रन उन्होंने खर्च करे थे। फिर बाद में वेड आके कहते हैं भाई साहब वो मैं मैक्सवेल को ओवर नहीं देता तो शतक कैसे बनता मैक्सवेल का, वो इतने रन नहीं देते, इतने रन फिर कैसे बना पाते वो। हार्डी का 1 विकेट था, बहुत ही गजब का स्पेल रहा, 64 रन दिए। मैक्सवेल आते हैं द मैक्सिसो, यहाँ पर उन्होंने 104 बनाया नाबाद 48 बॉल के अंदर। हेडी ने 35 किया, विड़ी ने 28 नाबाद की पारी खेली थी। 19 ओवर अगेंस्ट अक्षर पटेल, इस भाई ने मैच का रुख बदला। स्टोनिस ने 17 बनाया था 21 गेंद के अंदर। बिश्नोई के 2 विकेट थे, आवेश अक्षर अर्शदीप का यहाँ पे 1-1 विकेट था, और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है। तो देखते हैं चौथे T20I के अंदर क्या होगा, ये सीरीज अभी भी जीवित है। अगर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो भाई साहब जो 5वां T20 मैच होगा ना वो शानदार मैच होगा, क्योंकि वो सीरीज डिसाइडिंग मैच हो जाएगा। अब देखो स्टूडियो में आपको कितनी स्लाइड्स देखने को मिलती है, टोटल 70 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट 20 टीम बनाने के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना आपको मजा आ जाएगा, और पिक्चर्स की फोटोज भी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर किस तरह से मैचेस हुए हैं। और आप देखें इस मैच में भी आपको 50,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा माई मास्टर इवेंट के ऊपर। तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। गिव अवे तो बहुत जगह होते हैं, बट यहाँ पर गिव अवे 70-80% ही भर पाता है, 20% स्पॉट्स खाली रह जाती है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है, पिक्चर्स की फोटोज आती है, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे देता हूँ, लिंक नीचे है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर का मैदान है, बड़ा एक खूबसूरत ग्राउंड है इस वेन्यू के ऊपर। लास्ट टाइम T20 का मैच खेला गया था करीबन 5 साल पहले, 16 जनवरी 2018 को यहाँ पे मैच हुआ था छत्तीसगढ़ वर्सेज यूपी का। क्या होता उसके अंदर उसकी बात करते हैं। हुआ कुछ नहीं, पहले जो टीम बैटिंग करने आती है 113 बनाती है 8 विकेट गवा के। छत्तीसगढ़ टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है, 113 बनाया उन्होंने, 114 का टारगेट रहा। यूपी चेस करने आती है, 12 ओवर के अंदर टारगेट चेस हो जाता है, टीम 6 विकेट से जीत जाती है। फिर इससे पहले रेलवे वर्सेज राजस्थान का मैच हुआ जिसके अंदर राजस्थान 150 बनाती है, 151 का टारगेट देती है 6 विकेट गवा के। रेलवे चेस करने आती है, 3 बॉल रहते टारगेट चेस कर जाती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच था, 4 विकेट से जीत जाती है। 137 बना टारगेट यहाँ पे चेस नहीं हुआ, टीम 131 बना पाई थी, 135 बना टारगेट यहाँ पे चेस नहीं हुआ, 150 बना टारगेट चेस हो गया। ये भाई साहब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस थे, ये इंटरनेशनल मैच है, और आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर प्लेयर्स हाई क्वालिटी आते हैं, पिचेस हाई क्वालिटी की रहती है, तो आपको यहाँ पे ये 150 जैसा स्कोर शायद देखने को ना मिले। 190-200 बन रहे हैं इस पूरी सीरीज में, 3 मैच हुए हैं, तीनों बार यहाँ पे 200 प्लस स्कोर बने हैं, तो आपको मेरे लिहाज से फिर से 200 प्लस स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। और इस वेन्यू के ऊपर ये पहला T20 आई है, ये ऐतिहासिक दिन है, इस वेन्यू के ऊपर पहली बार कोई लड़कों का अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है T20 का। ODI तो होता रहता है यहाँ पर, याद करिए 21 जनवरी को, जी हाँ 21 जनवरी को इसी साल 2023 के अंदर
न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था ओडीआई का, जिसमें मोहम्मद शमी ने प्लेयर ऑफ द मैच लिया था, न्यूजीलैंड को 110 रन पर रोक दिया था। वो भी मैच मैंने हाइलाइट देखी थी। तो अब देखें, टीम इंडिया इस वन पे पहली बार खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 मैचेस जीतेगी, चेस करते हुए 3। मेरे लिहाज से फिर से यहाँ पर ड्यू फैक्टर आएगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले गेंदबाजी ही करेगी। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनने चाहिए। जो लास्ट मैच था छत्तीसगढ़ वर्सेज यूपी का, उस मैच में 7 विकेट पेसर का था और 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम, लास्ट 5 मैचों में पेसर्स ने 41 विकेट निकाला है। पहली बारी में 24, दूसरी बारी के अंदर 17, राइट आर्म पेसर 31, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 10 विकेट है। स्पिनर्स के 17 विकेट है, पहली बारी में 9, मैं साइड होता हूँ, दूसरी बारी में 8, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 8 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स का 4, लेग स्पिनर्स का 3, चाइनामैन का 2 विकेट है। चलते हैं पिक्चर्स की फोटोज की तरफ। ये देखिए आप, सेकेंड ओडीआई हुआ था 21 जनवरी को इसी साल, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच था। उस टाइम पे डायमेंशन देखो, सामने की बाउंड्री 79 मीटर्स थी, स्क्वायर यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती 73 मीटर्स की थी, और ये पिच ऐसी दिखी थी। अच्छा सरफेस था, रन्स बनने चाहिए और सीरीज ऐसी चलिए। T20 में भाई बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, बॉलर्स क्या करेगा यार, कहाँ जाएगा वो मुँह छुपा के, मेरे समझ के बाहर है। ऐसा माहौल बना दिया T20 में, हाई स्कोरिंग मैचेस बनाओ, जनता को एंटरटेन करो, बॉलर भाई साहब रुमाल लेके बस मुँह छुपाता हुआ फिरता है, यही हाल हो चुका है। ये देखो आप, ऐसा सरफेस दिखता है, ज़्यादा ग्रास होती नहीं है, हल्की सी लाइव ग्रास होती है जो पिच को होल्ड करके रखती है। ये स्टेडियम का व्यू है, देखो एकदम पुराने ज़माने में आपने देखा होगा ग्लैडिएटर्स मूवी वगैरह के अंदर, जो ऐसे पुराने ज़माने में युद्ध होता था ऐसे बीच के अंदर, ऐसा कलाई होती थी ना, और ऐसा स्टेडियम होता था, ऐसे ऊपर से रिंग बनी हुई होती थी, ऐसा स्टेडियम है, थोड़ा सा पुराने टाइप कट स्टेडियम। ये देखो आप, ऐसा स्टेडियम का व्यू आता है, ये बहुत ही प्यारा स्टेडियम, पीछे आपको एक नदी दिखती है, और ये देखो क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का, ये देखें आप। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द वेन्यू ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, और लास्ट मिनट पिचेस की फोटोज मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा, लिंक नीचे। और दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 30 मैचेस खेले हैं, 17 जीती है टीम इंडिया, 11 जीती है ऑस्ट्रेलिया, 2 मैच नो रिजल्ट गए हैं। ऋतुराज भाई, ऋतु का राज है, ओपन करेगा ईशान किशन के साथ। इस मैच में जयसवाल शायद ना खेलें, अय्यर वन डाउन आ जाएंगे, 2 डाउन सूर्य आ जाएगा, फिर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, दीपक चार, रवि बिश्नोई, अरदीप सिंह, आविश खान, ये होनी चाहिए 11। कृष्णा को रेस्ट दिया जा सकता है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर थे, फिर उन्होंने लगातार 3 मैचेस खेले, तो रेस्ट देना चाहिए भाई को, खराब बॉलर नहीं है वो इतना। ऑस्ट्रेलिया, फिलिप भी ओपन करने चाहिए, ट्रेविस हेड के साथ, बेन मैकडरमॉट वन डाउन या तो मैथ्यू शॉट वन डाउन आएंगे, फिर एरन हार्डी, मैथ्यू वेट, टिम डेविड, क्रिस ग्रीन, नेथन एलिस, केन रिचर्डसन, जेसन मिलिंडॉफ, तो टीम उतरेगी 4 बॉलर के साथ, ये 4 बॉलर्स होंगे। 5वां बॉलर इनका होगा मैथ्यू शॉट, या फिर आपको एरन हार्डी दिखेगा इस गेम के अंदर। ट्रेविस हेड भी आ सकता है बॉलिंग करने, आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि हेड ने वर्ल्ड कप में किस तरह से बॉलिंग करी थी सेमीफाइनल में आपको याद होगा, आउट किया था एंड्रिक क्लासेन को, आउट किया था पहली बॉल के ऊपर उन्होंने मार्कोनी सेन को। केन रिचर्डसन नहीं खेलते तो बैन द्वारी से आ सकता है, तनवीर संगा को रेस्ट दिया जा सकता है इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऋतुराज ने 3 मैचेस में 181 रन बनाया अभी तक इस सीरीज के अंदर, बैटिंग फर्स्ट 58, 123 नाबाद, वो तो 0 इनका नसीब में नहीं होना चाहिए था, बट वो रन आउट हो गया भाई साहब, क्या बोल सकते हैं उसको, जो पहला मैच हुआ था जयसवाल ने माफ़ी भी मांगी 3 से जाके, और उन्होंने एकदम नरम दिल से कहा भाई कोई बात नहीं, अगली बार हम ध्यान से भागेंगे। 123 नाबाद, 58-0-12, डोमेस्टिक किंग कहते हैं उसको, क्लासिकल बैटर है। और एक चीज़ कहूँगा यार, बुरा मत मानना, पहली बॉल पे इसका एज लगा था, जो स्लिप के बगल से स्लिप वहाँ पे होती तो जाते थे, उससे जस्ट एक बॉल पहले उसी बॉल पे वेड ने स्लिप निकाल दी थी, केन रिचर्डसन की बॉल थी वो, मैं देख के खुश हुआ था, ऐसा नहीं है लॉस हुआ कोई बात नहीं, बट यार अपना जो प्लेयर मेहनत करके यहाँ पे आता हो चला, वो रात गई बात गई, बट मैं आपको बस एक फैक्टर बता रहा हूँ। ईशान किशन 3 मैचेस में 110 रन है, बैटिंग 52-0, चेस के ऊपर 58 है। पावर प्ले में अगर ये खेलते हैं, इनका रिकॉर्ड है इस सीरीज के अंदर पावर प्ले के अंदर, ये रन ही नहीं बना पाते। मेरे पास एक डेटा आई थी, मैंने देखा था रात को ही कि पावर प्ले में भाई साहब रन ही नहीं बना पा रहे ये, तो देखते हैं सीरीज में क्या करते हैं इस मैच के अंदर। सामने बैरनडॉफ जैसे हाई क्वालिटी बॉलर होंगे, केन रिचर्डसन खेलते हैं तो और थ्रेटफुल हो सकते हैं, बैन द्वारिसस भी बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर है, बट विकेट टेकर नहीं है इतना, नई गेंद से बैन द्वारिसस वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। 0-52, 58-47 फॉर्म रहा है,
अय्यर दो मैचेस में 12 रन से एटवुड के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट है, 12 नाबाद और 0 चेस पे। इस मैदान पे 70 रन है, नाबाद 70 और 0। फॉर्म वर्ल्ड कप का भाई कौन नहीं जानता इस बंदे को। 500 प्लस रन ठोके थे इसने कुल मिला के 11 मैचेस में। 4 105 128 नाबाद, 77 82, 4 33 19 53 नाबाद, 25 नाबाद। सूर्य दादा ये अपना सुपला शॉट निकालता है, अलग अलग शॉट निकालता है। 6 मैचेस में 253 रन है, बैटिंग फर्स्ट 46 19 39, चेस के ऊपर 59 0 80। ये टॉप कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए फिर से रहेगा, T20 में इसका कदकाठी बहुत बड़ा है। तिलक वर्मा 3 मैचेस में 50 रन है, बैटिंग फर्स्ट 7 नाबाद 31 नाबाद 12, चेस के ऊपर। लास्ट गेम में सब कह रहे थे रिंकू को भेजो, मेरे पापा मेरे साइड में मैच देख रहे थे, वो कह रहे हैं भाई रिंकू को ओपन कराओ। मैं कहा भाई रिंकू को कैसे ओपन करा सकते हैं, वो मिडल ऑर्डर स्पेशलिस्ट है डाउन द ऑर्डर वाला। फिर ये चीज़ देख के दुख हुआ कि तिलक वर्मा को भेज दिया था, रिंकू सिंह को वहाँ पे भेजना चाहिए था अटैकिंग करने के लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा रन बन सकते थे क्योंकि उन्होंने इतनी ख़राब पारी नहीं खेली। तिलक ने 24 बॉल में 31 किया, बट वो आप डेथ ओवर में एक्सपेक्ट नहीं करते कि 130 140 का स्ट्राइक रेट, आप एक्सपेक्ट करते हो 200 के आसपास स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर के अंदर। रिंकू सिंह 3 मैचेस में 53 रन, 230 का स्ट्राइक रेट है, अभी तक आउट नहीं हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेन्यू के ऊपर 5 मैच खेला है, 115 रन है, 140 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 25 15 5, चेस के ऊपर 37 नाबाद और 33 है। ये फिनिशर है भाई साहब, आप फॉर्म देखो इसमें नाबाद ही नाबाद लिखा हुआ है, 31 नाबाद 22 नाबाद 77 नाबाद 3 15 31 नाबाद 50 नाबाद 58 नाबाद। ये फिनिशर की निशानी होती है कि आप मैच फिनिश करते हो। अक्षर पटेल 6 मैचेस में 10 विकेट 7 की इकोनॉमी है, 13 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड भी 3 मैच में 5 विकेट है। ये सीरीज में 3 मैचों में 2 विकेट निकाला है। दीपक 4 3 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है। अगर ये खेलता है नई गेंद से बहुत ही डेडली बॉलर हो सकता है। 5 मैच में 7 विकेट है इस वेन्यू पे, 5 की इकोनॉमी है, 17 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 2 में 3 विकेट है। रिसेंटली राजस्थान के लिए विजय हजारे में 6 विकेट निकाल के आ रही है। बिश्नोई 3 मैचेस में 6 विकेट, विकेट टेकर कुछ ना कुछ आपको करके देगा, 40-50 पॉइंट। हरदीप सिंह इस सीरीज में 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट निकाले भाई ने, बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप नहीं कर सकते, डेप्थ में डालता है, क्या पता 2-3 विकेट वहाँ मिल जाए। आवेश का 1 मैच में 1 विकेट है, एटवुड में बॉल सेकंड, अच्छा स्पेल था लास्ट गेम में। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 7 विकेटें हैं, अंडर 7 इकोनॉमी, 17 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट गेम में अच्छी आर्ड लेंथ हिट कर रहा था विलियम्स के साथ, जिस तरह से ट्रेविस हेड को आउट किया था। कृष्णा भाई बहुत मार खाया इस सीरीज के अंदर, रेस्ट दिया जाना चाहिए इस मैच के अंदर। मुखिया 2 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए मार्कस स्टोनिस को आउट किया था अगर आपको याद हो वो मैच। जायसवाल का 3 मैच में 80 है, ये सब भी खेल सकते हैं। शिवम अच्छा क्रिकेटर, हार्ड हिटर है। जीतू भाई वाशिंगटन सुंदर, पिछले गेम में हरदीप सिंह का पहला 5वां 15वां 17वां ओवर था, बिश्नोई का 3रा 7वां 10वां 14वां, कृष्णा का 2रा 8वां 18वां 20वां, आवेश का 4था 6वां 12वां 16वां। तो ये आवेश ही एक ऐसा बॉलर था और हर्षदीप जिन्होंने पावर प्ले में 2 ओवर डाले हूँ। बापू का 9वां 11वां 13वां 19वां था, तो वो बापू का कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया इनसे, ये करा सकते थे आवेश से 16वां ओवर। वही है ना, इफ एंड बट्स की बात हो, अगर ऐसा होता ये हो जाता मैच में वही कहानी है। फिलिपी 3 61 14 11 90, ये खेल चुका IPL फॉर द RCB कोविड के टाइम पे, अच्छा प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक रहा है, देखते हैं। ट्रेविस हेड 5 मैचेस के अंदर 120 रन, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, हाई रिस्क प्लेयर है, 26 नौ बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 2 48 नाबाद 35। ये बेसबॉल दिखाएगा अपना। बेन मैकडरमॉट रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, पिछली 7 इनिंग्स में इसके 4 50s हैं, 143 रिसेंटली इसने बनाया था, 86 25 52 8 70 10, इन फॉर्म प्लेयर है। और मैं इसकी तरफ हमेशा थोड़ा सा बायस रहा हूँ, मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ वो चीज़, बट ये प्लेयर के नंबर्स भी आप देखोगे तो अब भी आपको लगेगा प्लेयर हाई क्वालिटी है। बट देखते हैं ये जो इंडियन पेसर्स उनके सामने कैसा खेल पाता है, बिश्नोई को कैसा खेल पाता है। वैसे स्पिन अच्छा खेला इसने। मैथ्यू शॉट 2 मैचेस में 32 रन है, 13 बैटिंग फर्स्ट, 19 चेस के ऊपर, 1 विकेट है। फॉर्म 19 13 रन 1 विकेट, 81 नाबाद 134। इस सीरीज में बिश्नोई के पास इनका नंबर है। एरन हार्डी 2 मैच में 16 रन 1 विकेट है, बैटिंग सेकंड करते हुए ओपन करता है तो टीम में रही है, 2-3 ओवर डालेगा। लास्ट मैच में मेरे समझ के बाहर था इसने क्यों 4 ओवर डाला, मार्कस स्टोनिस ने क्यों बॉलिंग नहीं करी, समझ के बाहर वो चीज़ें, किस तरह से मैथ्यू वेड ने रोटेशन की थी बॉलर्स की। टिम डेविड 6 मैचेस में 130 रन है, बैटिंग फर्स्ट 2 54 19 नाबाद, चेस के ऊपर 18 37 0।
हार्ड हिटर पहली बॉल पे आउट हुए लास्ट गेम के अंदर, बिश्नोई की जो गेंद थी। मैथ्यू वेड 14 मैचेस में 61 की औसत है भाई, बहुत प्यारी औसत है भाई कि 429 रन ओपन करने आ जाता है इस मैच में, तो मैथ्यू वेड कैन बी द डेडली। वैसे तो इसने सीरीज में दो बार बैटिंग करी है, 42 नाबाद 28 नाबाद, दोनों मैचेस के अंदर ये लगभग अपनी टीम को जीत दिला जाता। क्रिस ग्रीन बहुत दिनों बाद ये वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल जर्सी पहनेंगे भाई। 2 विकेट 1 विकेट 20 रन 1 विकेट 15 रन 0 विकेट 1 विकेट। मेरे लिए आज इनका मेडन कॉलअप ही है जितना मेरे को लग रहा है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके लिए। क्रिस ग्रीन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला अभी तक, और ये सिडनी सिक्सर्स की भाई साहब सिडनी थंडर की इस साल कैप्टनसी करने वाला है जो टीम है बिग बैश लीग की। जी हाँ, ये इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेला, ना T20 ना ODI। बहुत अच्छा स्पिनर इंडिया के अंदर, 7-7 टॉप ऑर्डर के अंदर 5 लेफ्टीज है। कौन कौन? ईशान किशन, जायसवाल खेलता है तो बात अलग है, वरना इस मैच में आपको ऋतुराज दिख जाएगा, स्काई दिख जाएगा और अय्यर, तो फिर थोड़ा बैलेंस हो सकती है टीम। नाथन एलिस 4 मैच में 6 विकेटें, डेथ और स्पेशलिस्ट, अच्छी वेरिएशन से 2 डेथ में डालता है इंपॉर्टेंट। केन मामा यहाँ पर, ये एक ऐसा प्लेयर जो स्वर्ण पे खेला है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2013 के अंदर, 9.5 की इकोनॉमी थी, 4 ओवर में कुछ 40 रन दे दिया था भाई ने। बैरनडॉफ भाई क्या गेंदबाजी करता है बंदा, 7 मैचेस में इसको 7 कर लेना यार, 7 मैच में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 2 विकेट है, इकोनॉमी 6 की है। बैन द्वारिसस फॉर्म, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये बैटिंग करना भी जानता है, लंबे लंबे हिट मारता है ये, मिड विकेट इसका फेवरेट एरिया है, स्लॉक करता है गेंद को। तनवीर सांगा रेस्टेड हो सकता है इस गेम में, नंबर्स आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग और बैरनडॉफ, ये देखो आप पिछले गेम में केन रिचर्डसन का 1st, 3rd, 12th था, ग्लूट इंजरी भी थी इस मैच में, देखेंगे आता है या नहीं। बैरनडॉफ का 2rd, 4th, 6th, 17th, एलिस का 5th, 10th, 16th, 19th, तनवीर सांगा का 7th, 9th, 13th, 15th, हैरान राडी का 8th, 11th, 14th, 18th। बैरनडॉफ ने 17 ओवर बहुत कमाल का डाला, ठीक है, इसमें आई थिंक 5 रन दिए थे, उसका अगला ओवर करा लिया मैथ्यू वेड ने एरन हार्डी से। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, आपने प्रेशर ओवर करवाया बैरनडॉफ से, तो आपको उस प्रेशर को मेंटेन करना था, आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया एरन हार्डी को ओवर देके, ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। एलिस को देना चाहिए था 18th ओवर, अब चलता रहता वो इफ एंड बट्स वाला गेम है। ऋतुराज वर्सेज एलिस 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया, 15 बॉल में 16 रन देके। ईशान किशन वर्सेज सांगा, केन एक एक बार आउट किया है, और अय्यर अगेंस्ट लेग स्पिन फंसता है। सूर्य की बात करें अगेंस्ट एलिस 6 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है, 39 बॉल में 68 रन। हार्डी ने इसको 5 बॉल में 10 रन देके एक बार आउट किया है। बैरनडॉफ ने भी इनको बहुत परेशान किया लास्ट गेम में, 16 बॉल में 19 रन दिया, 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया। तिलक फोरम वर्सेज सांगा 12 बॉल 12 रन, 2 इनिंग्स में एक बार। बापू जायसवाल वर्सेज एलिस 16 बॉल 23 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शिवम दुबे, जीतू भाई हैं यहाँ पे, वाशिंगटन सुंदर है, फिलिपी नए प्लेयर साइंस टीम के अंदर, तो फिलिपी लेक्समन के सामने आप देखेंगे 44 इनिंग्स में 15 बार आउट हुआ है। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फिलिपी 51 इनिंग्स में 22 बार आउट हुआ है T20 फॉर्मेट के अंदर, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग एनी फ्रेंचाइज टूर्नामेंट, जैसे इसने खेला हुआ है ससेक्स के लिए T20 ब्लास्ट में, से अलग अलग जगह खेला है। ट्रेविस हेड अगेंस्ट अक्षर आवेश एक एक बार आउट हुआ है, लप्पे मारने आता है ये। डैन मैकडरमॉट वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन 53 इनिंग्स में 16 बार आउट हुआ है। लेग स्पिन के सामने 61 इनिंग्स में 19 बार आउट हुआ है, रन भी भाई ने बहुत अच्छे बनाए। मैथ्यू शॉट अगेंस्ट रवि बिश्नोई 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 5 बॉल में 3 रन दे गए। जो अपने ये बैन मैकडरमॉट है, ये पीटर हेडजोग्लू के सामने, अब मैं आप कहोगे आप पीटर हेडजोग्लू का नाम क्यों ले रहे हो, वो एक पर्स कॉचेस का गेंदबाज है बिग बैश लीग का, सेम बिश्नोई जैसा उसका बॉलिंग कंट्रोल है, वो भी गुगली डालता है लाइक बिश्नोई, तो उन्होंने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है 11 बॉल में 12 रन देके बैन मैकडरमॉट को, तो बिश्नोई आउट कर सकते हैं बैन मैकडरमॉट को। एरन हार्डी वर्सेज हर्षदीप, मैथ्यू वेड वर्सेज आप देख सकते हैं, टिम डेविड वर्सेज बिश्नोई 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 13 बॉल में 9 रन देके। 50,000 रुपये का गिव अवे, नो GST एट मास्टर 11, साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, मैं खुद यहाँ पे खेल रहा हूँ। अय्यर कॉमन कैप्टन होंगे अलॉन्ग विद सूर्या, और अलग जाना है तो ट्रेविस हेड है, बैन मैकडरमॉट है अगर चला तो उसका दिन। एरन हार्डी का बहुत अच्छा रोल रह रहा है, 3-4 ओवर बॉलिंग, टॉप ऑर्डर में बैटिंग, गायकवाड एंकर करता है, एक छोर को संभाल के रखता है, एक बहुत पॉजिटिव होता है फैंटेसी प्लेयर के लिए कि आपको एक छोर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, टीम्स की बात करते हैं। फिलहाल कैप्टन कर रखा है पे अय्यर को, वाइस कैप्टन मेरे पास सूर्या दादा है, क्योंकि अय्यर जिस फेस में बैटिंग करने आएगा, पहले 3 ओवर में बैटिंग करने आ गया तो बैरनडॉफ इनका आउट कर सकता है, वरना उसके बाद आप देखते हैं मिडिल फेस में हार्डी बॉलिंग करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया, हार्डी को तो भाई ने
40-50 रन मार दिए थे अकेले ऋतुराज ने 10-15 बॉल के अंदर, बहुत बुरा मारा इस बंदे को। फिर क्रिस ग्रीन है, वो थोड़ा सा स्मार्ट स्पिनर है बट अयर स्पिन को अच्छा खेलता है, ये फायदा रह सकता है। सूर्या भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन्स वाइस कैप्टनसी का। ईशान किशन लिया है, आप फिलिपी के साथ जा सकते हैं, वे डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं बस वही दिक्कत है। ट्रेविस हेड बेन मैकडोनाल्ड को लिया है, मैकडोनाल्ड को सिर्फ फॉर्म की वजह से लिया हुआ है, वन डाउन खेलेगा तो रखूंगा या ओपन करता है तो, वरना मैथ्यू शॉट के साथ आप जा सकते हैं। हार्डी लिया जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, डाउन द ऑर्डर खेलता तो मैं नहीं लूंगा। एलिस है, रवि बिश्नोई, बेरेंडॉफ, दीपक चार, मोस्टली दीपक चार इस मैच में खेलना चाहिए, खेलता है तो नई गेम से थ्रेटफुल रह सकता है फॉर ट्रेविस हेड एंड अदर टॉप ऑर्डर बैटर्स। ईशान किशन आपका कॉल है, आपको वेट दिखता है नीचे जो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आता है, फिलिपी आपको ओपन करता हुआ या फिर वन डाउन खेलता हुआ दिखेगा मोस्टली, बट दिक्कत क्या आती है फिलिपी इस साल मार्च कप में इतने खास फॉर्म में नहीं था। ईशान किशन ये यूनिवर्सल पिक है तो क्यों आपको फालतू के अंदर रिस्क लेना। सूर्या इंपॉर्टेंट हेड बेसबॉल का प्लेयर है, दीपक चार खेलता तो बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, ट्रेविस हेड खुद आउट हो सकता है दीपक चार के सामने। अय्यर इंपॉर्टेंट, गायकवाड अच्छा फॉर्म में, जयसवाल शायद खेले, रिंकू सिंह डाउन दौड़ रहा है ट्राई कर सकते हो, सेम फॉर टीम डेविड, तिलक वर्मा, बेन मैकडरमॉट। बात करते हैं तिलक की, तो इस फेस पे क्रिस ग्रीन बॉलिंग करने आएगा आउट कर सकता है, टीम डेविड हार्ड हिटर है, मूड हुआ तो बहुत लंबी पारी खेलेगा ये, बड़े बड़े हिट मार सकता है। टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप देखते हो थोड़े से अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ नहीं खेले इंटरनेशनल, तो टीम डेविड की बैटिंग आ सकती है इस मैच में, बेन मैकडरमॉट को रोटेट करिएगा। बापू आपका कॉल, मैथ्यू शॉट खेलता तो टॉप ऑर्डर के अंदर तो ही रखना, एरन हार्डी ओपन करे तो रखिए वरना मत रखिए, सीधी बात है। हरदीप सिंह बॉलिंग फर्स्ट में, केन मामा खेले तो आप रख सकते हैं, मैंने अभी फिलहाल एलिस बिश्नोई, बेरेंडॉफ और दीपक चार को लिया हुआ है। क्रिस ग्रीन भी रोटेटेबल प्लेयर है, इंडिया के अंदर आपको चार तो लेफ्टीज दिखेंगे इस मैच के अंदर, तीन टॉप ऑर्डर में रहेंगे, मिडल ऑर्डर में दो, मिडल ऑर्डर में एक, टॉप ऑर्डर में ईशान किशन। तो देखते रहिए स्टैट्स जो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, लव यू गाइस, सी सून, फ्लैट विकेट होते हैं, चीज़ को ध्यान में रखिए, टीम बनाइए, बॉलर्स की श्यामत होती है तो आप किसी एक बॉलर पर रिस्क ले रहे हो तो आप बेटर है कि एक बैटर को ही पिक कर लो, वो बहुत बड़ी पारी कन्वर्ट कर सकता है, बॉलर को दो विकेट मिले तो 50 पॉइंट मिलेगा उसको, बट बल्लेबाज 50-60 रन करेगा तो उसको 70-80 पॉइंट मिल जाते हैं, ये इस पूरी सीरीज में हुआ है। जय हिंद, टेलीग्राम का लिंक नीचे।